शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कितना हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? ए जी, तू अंदर जा। मेरी बीवी ने मेरे को भड़काया, देता हूँ। ये लो तुम्हारा माल, ये लो, मैं तुम्हारा वफादार साथी हूँ, ये लो तुम्हारा माल। बॉडी की लेंथ कितनी है? 174 सेंटीमीटर। हाँ जी, यहाँ पर। और चेस्ट में बुलेट कितने हैं? 3 गोली। हाँ, यहाँ पर। ओके। Thank you.
तुम्हें अगर इंतजार करवा के मैं कल आता तो तुम्हारे चेहरे पर ये जो खुशी है वो कैसे देख पाता। तुम्हें सरप्राइज देने का मजा ही कुछ और है। लेकिन भैया आपका बैग बहुत हैवी लग रहा है, इसमें क्या क्या है बताइए ना भैया। अभी दिखाता हूं। भैया मैं अभी पहनूं? अरे अभी सुबह पहन ले तू, अभी क्यों, छोड़। आपको ये ड्रेस अब तक याद थी? अरे मेरी बहन अपनी किसी पसंद पर उंगली रखे और मैं उसे भूल जाऊं, ये हो सकता है। हेलो हेलो, क्या मैं कमिश्नर साहब के साथ बात कर सकती हूँ? यस स्पीकिंग। सर सर मैं पेटर और मिल्टन अपार्टमेंट से बोल रही हूँ। कल सुबह यहाँ एक पूरी फैमिली को किसने मार दिया। मिल्टन अपार्टमेंट? हाँ 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 हाँ, फ्लैट नंबर 503। जी हाँ जी हाँ, वही। मैंने उन खूनियों को देखा है और मैं उन्हें पहचान भी सकती हूँ। तुम खूनियों को पहचान सकती हो? जी। तुम्हारा मतलब है जिस वक्त ये हादसा हुआ तुम वहां मौजूद थी? जी हाँ। तो फिर तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब पुलिस इंक्वायरी कर रही थी? सर उस वक्त मैं इस हालत में नहीं थी कि पुलिस को कुछ बता पाती, क्योंकि जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ मैं उसी परिवार से हूँ। हो, पुलिस अभी वहां पहुंच रही है, तुम बिल्कुल मत डरना। तुमने जो कुछ भी देखा है उसे ठीक से याद करके पुलिस को बता देना। ओके ओके सर। ये कैसे हो सकता है खान? उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए घर का ऐसा कौन सा कोना ढूंढ लिया था जिस पर हमारी नजर नहीं पड़ी? वन मिनट, लेट मी जस्ट रिकलेक्ट द होल थिंग। बाहर के दरवाजे को लात मार के अंदर आया और ड्राइंग रूम में पहुंचा। बाली वहां टीवी देख रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने उससे वक्त पूछा, उसने घड़ी की तरफ देखा। पहला फायर मैंने घड़ी को किया था। गोली की आवाज सुनकर उसकी बीवी बाईं तरफ के कमरे से चिल्लाते हुए आई। मैंने एक ही गोली में उसे चुप कर दिया। पाली भागा, हम सब उसके पीछे पीछे गए। वहां से दौड़कर सीधे एक कमरे में दाखिल हुआ। वहां पर एक लड़की थी, वो हमें देखकर चिल्लाई भागी। मैंने उसे उड़ाया, पाली फिर भागा। इस बार गोली मैंने उसके हाथ में मारी, जख्मी हाथ लिए पाली बाहर वाले कॉरिडोर में पहुंचा जहां पर हनीफ और गुप्ते पहले से मौजूद थे। खान, इस पूरे दौरान हम घर के हर कमरे से गुजरे थे, कहीं कोई नहीं था, कोई नहीं था। उसके बाद कॉरिडोर में पहुंचकर मैंने बाली को गोली मारी, तभी उसका बेटा पीछे से चिल्लाते हुए आया। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? डिस्टर्ब कर दिया उसने मुझे। He disturbed me. मैंने पहले उसे मारा था, और फिर जब वापस बाली की तरफ पलटा तो बाली भागने की कोशिश कर रहा था। खान, बाली बच सकता था अगर वो गोली की रफ्तार से तेज दौड़ता तो। उस घर में किसी गवाह के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई नहीं था वहां। और जहां तक उस अपार्टमेंट बिल्डिंग का सवाल है, वहां के सारे फ्लैट्स एक तरफ है और सामने की तरफ सिर्फ एक सीधी सी दीवार। और जब हम गोली चला रहे थे तो एक भी दरवाजा नहीं खुला था। राइट राइट सर। राइट, गवाह किधर था? कॉरिडोर के आखिर में एक फ्लैट था,
लड़की उस फ्लैट में है। उस फ्लैट से पूरा कॉरिडोर दिखता है। ए, गुप्ते, सालवे, खान के साथ जाओ। लड़की उस फ्लैट में है। उस लड़की को पकड़ो। उसकी लाश किसी को नहीं मिलनी चाहिए। क्या क्या नाम है तुम्हारा? किरण। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं। अपनों की मौत का दुख क्या होता है जानता हूं मैं। सबकी मौत का मुझे दुख नहीं है। मेरा बाप सिर्फ नाम का ही बाप था। जीते जी मुझे इतना दुख दे रहा था कि अगर वो लोग उसे नहीं मारते तो शायद एक दिन मैं ही उसे मार देती। तुम्हारी माँ और बहन? ना ही वो औरत मेरी माँ थी और ना ही वो बहन। वो औरत को तो मेरे बाप ने अपने सुख के लिए रखा था और वो लड़की उसी की बहन थी। अगर तुम्हें किसी की मौत का दुख नहीं तो फिर तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि उन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। एक मेरा भाई तो था मेरी जिंदगी में, जो मेरा बाप था, मेरी माँ थी, मेरा सब कुछ था। उसे भी छीन लिया मुझसे। उसकी क्या गलती थी? उसने क्या किसी का बिगाड़ा था? लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि मैं उन हत्यारों को पहचानती हूँ। पुलिस? नहीं छोड़ूंगी उन्हें, नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? पुलिस मुझे मिलने आ रही है, मेरा बयान लेने आ रही है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे पुलिस को अपना बयान देना है। और ये सब कुछ क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे पुलिस मुझे मिलने आ रही है, मैंने पुलिस को फोन करके बुलाया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ तो, मेरी बात तो सुनो। पुलिस मुझे मिलने आ रही है। अरे कुछ तो बताओ क्या कर रहे हो? अरे अरे तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे ये दरवाजा उसे खोल कैसा? शिरके तुम ये दरवाजा खोलो। सालवी यही है वो। अरे तुम मुझे बताते क्यों नहीं? हम क्यों वहां से भाग आए? अरे रुको तो सही, मैं कब से तुमसे पूछे जा रही हूँ, तुम मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हो। अरे पुलिस मेरा बयान लेने आई थी। पुलिस तुम्हारा बयान लेने नहीं, तुम्हें मारने आई थी। पुलिस के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने तुम्हारे परिवार को मारा है। पुलिस के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने मेरे परिवार को मारा है? इसीलिए मैं तुम्हें वहां से निकाल के लाया हूँ। अब तुम्हें कहाँ जाना है सोच लो। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जहां तुम्हारी जान बच सके। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। रूम 315 सर।